नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैंने सोचा है रोज रोज सवेरे उठ के कुछ बनाना है, सूखी सब्जी बनानी है या भरुआ सब्जियां जाड़े में ज्यादा बनाई जाती हैं, बैंगन है, मिर्च है, भिंडी है, मतलब करीब करीब सारी सब्जियां भरुआ बनती है, अच्छी लगती है। और अचार अचार भी बनाने पड़ते हैं, तो समय समय की भाग दौड़ के लिए मैंने थोड़ा मसाला रेडी कर दिया है, जो हम गर्म करके फ्राई करके और पीस के रख देंगे। एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, इसकी खुशबू जैसे की तैसे रहेगी। ये देखिए, ये मेरा सौंफ है, 2 चम्मच सौंफ है देखिए, और 1 चम्मच जीरा है, और ये 1/2 चम्मच के करीब मेथी है, ये मेरी लाल मिर्चें हैं, ये मेरी लौंग है, ये देखिए ये कलौंजी है। लेकिन कलौंजी के विषय में आपको जानकारी दे दूं, ये ना भूनी जाती है ना पीसी जाती है, तो ये खड़ी डाली जाएगी, इससे इसको हटा देंगे। ये है मेरी राई, और ये देखिए ये है धनिया, और थोड़ा सा इन सब मसालों में मैं इलायची और काली मिर्च भी डालूंगी। तो ये देख लीजिए आप सारे मसाले, इन सारे मसालों को हम फ्राई करके इसमें गर्म करेंगे, हल्का भूनेंगे, हल्का, ज़्यादा नहीं भूनेगा, वरना सब्जी जब आप बनाओगे तो मसाले आपके पहले से इतने ज़्यादा भुने होंगे कि सब्जी पकने के पहले ही मसाले जल जाएंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा आधा कच्चा टाइप पर भून के रखें और दरदरा पीस लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपको बनाना, फटाक से 1 चम्मच निकालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, पानी डालिए, अमचूर डालिए। अगर अमचूर डालने वाली सब्जी है तो, जैसे करेला है, उसमें आपको अमचूर मिलाना होगा, अमचूर डाल लीजिए बस, और इसको बना लीजिए फटाक से, आपको झंझट नहीं होगा। कोई मतलब डाइनिंग टेबल पर भी लोग बैठे हैं तो आप 2 भिंडी फ्राई कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, इसको भर के मसाले को बना के रखती हूँ और फटाक से बना लेती हूँ। जैसे भिंडी तोड़ी, लाल में लगी है, 5 भिंडियाँ मैंने तोड़ ली, फाड़ी, और ये बना मसाला हमारे पास रखा, थोड़ा अमचूर मिक्स करना होता है और अमचूर, क्योंकि मैं अमचूर नहीं मिक्स करती हूँ, हर सब्जी में अमचूर नहीं अच्छा लगता, तो अमचूर बाद में मैं मिक्स करती हूँ। लेकिन मसाले आप फिर एक बार देख लीजिए, ये देखिए 4 चम्मच मेरी धनिया है, और ये सौंफ ज़्यादा मैं डालती हूँ, जैसे आजकल भरुआ मिर्चा बहुत बनता है, तो ये 2.5 चम्मच सौंफ है। मेथी कम डालिए, नहीं कड़वाहट आ जाएगी। लौंग है, कलौंजी है, सरसों है और जीरा है। तो चलिए इन सब मसालों को हम फ्राई करते हैं और फ्राई करके आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे, कलौंजी नहीं भूनी जाएगी दोस्तों, याद रखना। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे और इसमें ही थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। बहुत अच्छी सी महक फ्रेंड्स आने लग गई है, और ये मसाले तो आपके पारंपरिक मसाले हैं, तो अगर आपको और भी कुछ मसाला मिक्स करना है, जैसे गरम मसाला, सब्जी मसाला, तो आप मिक्स कर सकते हो। लेकिन गरम मसाले के लिए मैंने इसमें लौंग डाल दी है, जीरा पड़ा हुआ है और काली मिर्च पड़ी हुई है। तेजपत्ता तो गर्म मसालों में पड़ता नहीं है दोस्तों, ये आप पीस के ज़रूर रख लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है ये। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि गैस इसलिए बंद कर देंगे कि जल जाएंगे सारे मसाले, कढ़ाई इन डालें कि ये गर्म है। बाद में हम थोड़े से लाल मिर्च भी डाल दिए हैं। अब देखो मिक्सी का जार सूख गया है, धुला था, थोड़ा सा लहसुन प्याज पीसा था, तो अब सूख गया होगा। अब उसी में ये मसाले सारे हम हल्का दरदरा पीसेंगे, कलौंजी दोस्त पीसी नहीं जाएगी, उसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा राई भी डाल देंगे, गैस को बंद कर दिया। ये मसाले ठंडे होने का हम इंतजार करेंगे और इसमें निकाल लेते हैं। ये पीस गया, अभी ठंडा होने पर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ये बन रहा है नमकीन हमारे गुड्डे का, उनको ये नमकीन बहुत पसंद है, इसको और ABCD बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मिलता नहीं है, इसको गाजियाबाद से लेके आई थी, और साथ में मेरे मसाले भी पीस गए हैं, आप देख लीजिए, दिखा रहे हैं आपको।
ये देखिए ये नमकीन बन गया। आपके भी बच्चों को पसंद है या नहीं आप जरूर बताइएगा। और साथ में देख लीजिए ये मेरे मसाले, ये पीस गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं किसी में चम्मच देना। तुझे संभाल के रहना, कैसे रखते हो सब गिरेंगे। हाँ प्लेटें कागज लगाओ बीच में। ये देखिए ये मसाला मेरा पीस गया है। मुझे ऐसे ही दरबारा मसाला चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम मिला देंगे ऊपर से कलौंजी, क्योंकि कलौंजी बताया नहीं पीसी कूटी नहीं जाती। तो अब ये देखिए ये आपका मसाला रेडी है। आप जब भी कुछ बनाना चाहें 2 मिनट में सारे मसाले रेडी, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए आप भी बना के रखिए, बहुत आसान टिप्स है और सवेरे के लिए आपका सारा कार्यक्रम निश्चित है। ये देखिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मसाले आप बना के पीस के डिब्बे में पैक करके रख लीजिए, ये महीना भर चलने वाले मसाले हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।